ओम शांति। आज की तारीख है 7/4/17 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक मीठे मीठे बाप दादा हमें कर्मों की गति समझाते हुए और किस कर्म का क्या फल मिलेगा वो बताते हुए कहते हैं, मीठे बच्चे 21 जन्मों की राजाई लेनी है तो ज्ञान धन का दान करो। अगर हमको राजाई प्राप्त करनी है तो ज्ञान धन हम दान करते चलें, धारणा कर फिर दूसरों को भी कराओ, खुद धारण करें फिर औरों को भी धारणा कराएं। प्रश्न है, चलते चलते ग्रहचारी बैठने का मुख्य कारण क्या है? उत्तर है, श्रीमत पर पूरा नहीं चलते इसलिए ग्रहचारी बैठ जाती है। अगर निश्चय बुद्धि हो, एक की मत पर ही सदा चलते रहें, तो ग्रहचारी बैठ नहीं सकती, सदा कल्याण होता रहे। देरी से आने वाले भी बहुत आगे जा सकते हैं। किस बात से? एक बाप की ही श्रीमत पर चलने से। सेकंड की बाजी है, बाबा का बने तो हकदार भी बने, सुख घनेरे का वर्षा मिल जाएगा, परंतु श्री मत पर सदा चलते रहें। गीत बजा है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। धारणा के लिए मुख्य सार के दो मधुर महावाक्य। नंबर एक है, श्री मत पर चलकर अपने ऊपर आप ही दया करनी है। पहले तो स्व के ऊपर, बाबा कहते पहले स्व के ऊपर दया करो और क्या करो, श्री मत पर चलो। पर मत और मन मत या माया की मत पर चलना हम छोड़ दें और बाबा की श्री मत पर चलें। सर्वोदया बन पतित को पावन बनाना है, फिर सर्व के ऊपर दया करके और सभी को पतित से पावन बनाना है। नंबर दो महावाक्य, अमृत वेले रूहानी धंधा कर कमाई जमा करनी है। विचार सागर मंथन करना है, देही अभिमानी बनने की मेहनत जरूर करनी है। वरदान है सतगुरु बाप का कि बाप के प्यार की पालना द्वारा सहज योगी जीवन बनाने वाले सिमर्ति सो समर्थी स्वरूप भव। बाबा कहते हैं कि सारे विश्व की आत्माएं, सारे विश्व की सर्व आत्माएं परमात्मा को बाप कहती है, लेकिन पालना और पढ़ाई के पात्र नहीं बनती है। सारे कल्प में आप थोड़ी सी आत्माएं अभी ही इस भाग्य के पात्र बनती हो। हाँ, वाह मेरा ड्रामा में पार्ट, वाह मेरा भाग्य और वाह मेरे भाग्य को बनाने वाले बाबा। तो इस पालना का प्रैक्टिकल स्वरूप क्या है, सबूत क्या है? सहज योगी जीवन। हाँ, जो जो बाबा की पालना में पलते हैं वो सहज योग लगाते हैं बाबा से। बाप बच्चों की कोई भी मुश्किल बात को देख नहीं सकते, इसलिए जब बच्चों को बाबा मेहनत करते देखते हैं तो बाबा देख नहीं सकते। बच्चे खुद ही सोच सोच कर बात को मुश्किल बना देते हैं। बाबा कहते होता नहीं है मुश्किल, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, सोच सोच कर उसको मुश्किल बना देते हैं। लेकिन स्मृति स्वरूप के संस्कारों को इमर्ज करो, अपने आप समर्थि भी आ जाएगी। स्लोगन है, सदा निश्चित स्थिति का अनुभव करना है तो आत्म चिंतन और परमात्म चिंतन करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का
याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।